हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो हमारी लीनियर सर्च यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च के बारे में, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो पहले हम लोग बात करते हैं सर्च क्या है। तो देखिए, सर्च की जब बात करते हैं तो सर्च का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनमें से उस एलिमेंट को फाइंड करना। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर सर्च की। तो देखिए, लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च की जब हम बात करते हैं तो लीनियर सर्च इज अ वेरी सिंपल सर्च, बहुत ही सिंपल सर्च है एंड ऑफन कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्वेंशियल सर्च। जो हमारी लीनियर सर्च है उसे हम लोग सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सो लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च इज ए मैथड फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट विद इन ए लिस्ट। तो लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च जो एक ऐसा मैथड है जो किसी भी लिस्ट में से और किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास लिस्ट गिवन है जिसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे हम लोग लीनियर सर्च कहते हैं। तो इन दिस सर्च वी सिंपली ट्रेवर्स द लिस्ट कंप्लीटली। इस सर्च में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवर्स मतलब एक-एक करके पूरे जितने भी आइटम्स हैं उस लिस्ट में, एलिमेंट्स हैं, उन सबको कंप्लीटली ट्रेवर्स करते हैं, मूव करते हैं, चेक करते हैं। सो इट चेक्स each element of the list sequentially until a match is found or the whole list has been searched। हम इसके लिए जो एलिमेंट को जो सर्च करते हैं तो उस केस में लिस्ट को सिक्वेंसली सर्च करते हैं, वन बाय वन, पहले एलिमेंट को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर इस तरह से सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं अंटिल जब तक हमारा मैच फाउंड नहीं हो जाता, वो जो एलिमेंट हमें चाहिए वो मिल नहीं जाता, या फिर हमारी पूरी लिस्ट सर्च हो जाती है। तो दोनों ही केस में हमारे जो सर्चिंग है पूरी लिस्ट को सर्च किया जाएगा और वन बाय वन सर्च किया जाएगा और चेक किया जाएगा जब तक हमारी लिस्ट पूरी सर्च ना हो जाए या फिर जो हमें एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट मिल ना जाए। ठीक है, तब तक हम लोग इस सर्चिंग का यूज करते हैं। तो पहली चीज तो क्या हुई, पहली चीज हमने लीनियर सर्च जाना कि लीनियर सर्च है क्या जिसका हम यूज इसमें करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। देखिए, मैंने यहां पर एक लिस्ट ली है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 8, 3, ठीक है, 2, देन 1, 10, 11 and 2। तो यहां पर 8 एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर और मुझे उसमें से सर्च करना है कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं कि मुझे जो सर्च करना है उस एलिमेंट का जो नाम है या जो ना वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो मुझे सर्च क्या करना है, यहां पर मुझे सर्च करना है 1। ठीक है, अब मैं यहां पे 1 सर्च करने के लिए क्या करूंगा, जो मेरी वैल्यू है 1 इसे अब मैं सर्च करूंगा 1 by 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर चेक करूंगा किसी भी एक वैल्यू को। ठीक है, तो 1 को मैं जो चेक करूंगा वो पहले एक एलिमेंट 5 के साथ चेक करूंगा। अगर मेरा मैच कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही, देन मैं सर्च करूंगा द सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो 8 भी 1 से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे जाऊंगा, देन मैच करूंगा 3 के साथ, ये भी मैच नहीं कर रहा, 2 के साथ मैच नहीं हो रहा, फिर मैच करूंगा 1 के साथ। और यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारी मैचिंग है वो यहां पर कंप्लीट हो गई। ओके, तो हमें एलिमेंट मिल गया कि हमारा जो एलिमेंट था जो हमें सर्च करना था वो किस लोकेशन पर जाके हमें मिला है वो हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे और बता देंगे कि जो हमारा 1 है वो इस लोकेशन पर जाकर
हमें सर्च हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि एक केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो एलिमेंट नहीं है और हमें उसी को सर्च करना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्चिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है 9। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में सबसे पहले जो हमारी वैल्यू चलेगी वो वैल्यू क्या चलेगी, 1 by 1 एक एक करके वैल्यूज को ये चेक करेगा। जैसे अब वो एक एक वैल्यू कैसे चेक होंगी, फर्स्टली 5 के साथ मैच नहीं करेगा, देन 8 मैच नहीं हुआ, 3, 2, 1 देन 10, 11, 2। मतलब जब तक मेरी लिस्ट एंड नहीं होती तब तक मैं इसे सर्चिंग करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा, और अब मेरा एलिमेंट नहीं मिला तो यहाँ पर एलिमेंट नो फाउंड होगा, है ना। तो मतलब मेरे पास वो वैल्यू मिली ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है लीनियर सर्च में, इसलिए लीनियर कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं कि 1 by 1 एक एक करके एलिमेंट को सर्च करता है। ओके, तो ये मेरा एक एग्जांपल था जैसे मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा था आपको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू से समझ लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो फर्स्टली हमारा एम क्या है, हमारा एम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट लीनियर सर्च। तो मुझे क्या करना है, मैं एक प्रैक्टिकली यहां पर आपको चेक करा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम है मेरा एक पाइथन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट लीनियर सर्च। ओके, सो हमें एम समझ आ गया कि हमारा जो एम है वो लीनियर सर्च को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। देन नेक्स्ट इज पाइथन जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसे किस तरह से हमें यूज में लेना है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, द प्रोग्राम टेक्स अ लिस्ट, एक लिस्ट और एक की एज इनपुट हमें यूज करना है, ठीक है ना, एक लिस्ट और एक की एज ए इनपुट हमें यूज करना है, एंड फाइंड द इंडेक्स ऑफ द की इन द लिस्ट यूजिंग लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च के थ्रू हमें कोई एक की उसके इंडेक्स को फाइंड करना है और जो इनपुट लेना है वो एक लिस्ट और एक की को यूज करना है एज ए इनपुट। ओके, तो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन क्या है जिसमें हम लोग यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्रिएट ए फंक्शन लीनियर सर्च। तो हम लोग सबसे पहले एक तो लीनियर सर्च फंक्शन करेंगे दैट टेक्स ए लिस्ट एंड ए की एज एन आर्ग्यूमेंट। तो पहला काम होगा हमारे पास एक फंक्शन जिसको डिफाइन करेंगे लीनियर सर्च के थ्रू, जिसके अंदर एक एक लिस्ट होगी और एक की होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। सेकेंड पॉइंट इज लूप इटरेट्स थ्रू द लिस्ट, ठीक है ना, एक लिस्ट के थ्रू हमारे पास एक लूप इटरेट करेगा, मूव करेगा, एंड व्हेन एन आइटम मैचिंग द की इज फाउंड द करिस्पॉन्डिंग इंडेक्स इज रिटर्न। जैसे ही हमें एलिमेंट मिलेगा हमारा इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, हमें वापस कर देगा, वैल्यू में मिल जाएगी वो कौन सा इंडेक्स। थर्ड वन इज इफ नो सच आइटम इज फाउंड देन -1 इज रिटर्न। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक लीनियर सर्च का एक फंक्शन आना है जिसमें एक लिस्ट और की को रखना है आर्ग्यूमेंट में, उसके अंदर लूपिंग करनी है जिसमें जैसे ही अगर मैचिंग फाउंड हो जाए तो हमारे पास उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाए, अदरवाइज क्या करना है -1 रिटर्न करना है अगर एलिमेंट हमें फाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, एक बार बना के देखते हैं किस तरह हमारा प्रोग्राम चलेगा। मैं आपको प्रोग्राम बनाता हूं और दिखाता हूं आपको किस तरह से हम इस प्रोग्राम को यूज में ले रहे हैं। चलिए हम प्रोग्राम पर ले चल रहे हैं आपको। ओके, देखिए मैं आपको अपने प्रोग्राम पर ले आया हूं। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो एक लीनियर सर्च को डिफाइन करेगा, जो हमारी प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्यूशन को यूज में लिया, जो हमारे पास हमने प्रॉब्लम का जो एम था उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम डिजाइन किया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो क्या है लीनियर सर्च को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हमने वो यहाँ बनाया स्टार्टिंग में, ये हमारा फंक्शन है जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग निकल के आ रही है जो हमें इंडेक्स यूज में लेना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम कहाँ से और कैसे चलेगा, किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। देखिए मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ आपको, सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम चलेगा वो प्रोग्राम चलेगा, देखिए ऊपर से तो एक फंक्शन चल के आ रहा है, यहां से हमने वैल्यू को पहले इनपुट करा है,
तो वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इनपुट होगी ए लिस्ट, इनपुट एंटर द लिस्ट ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। मैं आपको साथ की साथ चलाते हुए ले चल रहा हूं कि किस तरह से प्रोग्राम मेरा चल रहा है, ठीक है। देखिए मैंने रन कराया इस प्रोग्राम को, और रन करने के बाद सबसे पहले वो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एक स्टेटमेंट जो इनपुट कराएगा एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो देखिए मेरा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, देखिए मेरे पास एक इनपुट आया एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट। अब ये क्या होगा, अब देखिए यहां पर हमने यूज किया है ए लिस्ट डॉट स्प्लिट, इसका मतलब है कि मैं अपने वैल्यूज को एक एक करके जहां स्पेस दूंगा वो उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज को इनपुट कराएगा, ठीक है। एंड ए लिस्ट इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स इन ए लिस्ट, तो यहां पर हम लोग ए लिस्ट लेंगे जो हमेशा हर वैल्यू को एक एक करके वैल्यू में यूज में लेगा, उसने फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन ए लिस्ट, ठीक है। तो इंटीजर ऑफ एक्स को डिफाइन करेगा ए लिस्ट, एक हमने यहाँ पर की लिया है, तो पहले मैं यहाँ वैल्यूज को पुट करा दे रहा हूं जिससे हमारी वैल्यूज यहाँ में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यूज थी फॉर एग्जाम्पल 5, मैंने स्पेस दिया, देन 8, देन 2, देन 3, देन 10, 11, 1 एंड 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 7, 8 एलिमेंट्स यहाँ पर एंटर किए, देन मैं क्या करूंगा एंटर। अब देखिए सबसे पहले उसके पास हमारे हमसे क्या मांगा, उसने हमसे उसने फिर ये वाली वैल्यूज की के लिए इंटीजर इनपुट द नंबर टू सर्च फॉर। अब हमारी बारी है कि हमें वो एलिमेंट सर्च कौन सा करना है जिससे हमें आउटपुट आएगा, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा वैल्यू, वैल्यू मैंने डाली यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट किया 1, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम यहाँ से चलेगा कैसे, अभी मैंने चलाया नहीं है, मैं चलाऊंगा अभी, देखिए अब यहां से प्रोग्राम जाएगा कहां पर, इस इंडेक्स के लिए, तो इंडेक्स बराबर लीनियर सर्च ए लिस्ट कॉमा की, तो क्या होगा यहां से हमारा जो ये प्रोग्राम है इस फंक्शन पर मूव करेगा, और फंक्शन में कैसे चलेगा, लीनियर सर्च ए लिस्ट कॉमा की, तो ए लिस्ट की वैल्यू यहां से आएगी इस ए लिस्ट से, और की वैल्यू यहां से इसमें जाएगी, तो मेरे पास लिस्ट तो ये है पूरी, और की क्या है, की है 1। अब ये क्या करेगा, अब चलाएंगे हम फॉर लूप आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए लिस्ट, तो जो ए लिस्ट है उसकी लेंथ की उस रेंज को हम यूज करेंगे और आई स्टार्ट करेंगे वहां पर, इफ ए लिस्ट ऑफ आई इक्वल इक्वल टू के की, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल इक्वल मिलती है तो रिटर्न कर देंगे आई। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले प्रिंट क्या होगा 5 इक्वल इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा, देन फिर ऊपर मूव करेगा वो आई में जाएगा, आई देन मूव करेगा फॉर लूप में, फिर कंडीशन चेक होगी, देन हो गया 8 इक्वल इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, देन उसके बाद आई की वैल्यू हो गई, स्टार्ट हो रही है 0 से 0 1 2, देन अब 2 की वैल्यू आई 2 1 नॉट इक्वल, देन उसके बाद 3 इक्वल इक्वल टू 1 मतलब कंडीशन फॉल्स, देन 10 इक्वल इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, 11 इक्वल इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, और 1 इक्वल इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही क्या करेगा वो, यहां पर जो हमारा आई था उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करते ही क्या होगा उसके इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, और रिटर्न कहां होगा ये रिटर्न होगा यहां पर इस इंडेक्स में जाकर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जब हम इंडेक्स में वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, वही हमारी कहां प्रिंट हो जाएगी, यहां पर जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू आई डेफिनेटली यहां पर वैल्यू मिलने वाली, क्योंकि 1 हमारे पास है यहां पर, तो ये क्या है, इंडेक्स इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, तो वो कहां जाएगा एल्स में, ठीक है, और एल्स में क्या करेगा, वॉज फाउंड एट इंडेक्स फॉर्मेट की कॉमा इंडेक्स, तो की वैल्यू मतलब 1 फाउंड हो चुका है और इंडेक्स की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, देखिए 1 वॉज फाउंड एट इंडेक्स 6, ओके, क्योंकि यहां पर आई की वैल्यू हमारी 0 की थी, तो देखिए 0 इसके लिए 0 में लिया, फिर 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 कहां मिला,
वन वॉज फाउंड एट इंडेक्स सिक्स। ओके, ये कंडीशन थी जब हमारे पास सब कुछ, हमें हमारे पास वो एलिमेंट था। इन एनी केस मैं फिर से रन करता हूं इस प्रोग्राम को, अब की और हम वैल्यूज को लेंगे जो हमारे पास फाउंड नहीं करती। मैंने फिर से रन किया और रन करने के बाद अब वो सबसे पहले क्या मांगेगा मेरे से, वो वैल्यूज फाइंड करवाएगा, वो सॉरी लिस्ट मांगेगा जो हमारे पास रेफ इनपुट करना है। मैंने इनपुट कर दिया 5, 8, 10, 11, 2, ठीक है 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 एलिमेंट की एक इंडेक्स यहाँ पर लिस्ट डिफाइन कर दी। अब वो मेरे से पूछेगा की के लिए, तो सबसे पहले वो की मांगेगा कि द नंबर टू सर्च फॉर, ठीक है ना, वो कौन सा नंबर है जो आप सर्च करना चाहते हो। मैंने यहाँ डाल दिया 9। क्या 9 है मेरे पास, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हर एक को चेक करेगा और यहाँ से वैल्यू मिलेगी उसे कुछ भी नहीं, तो रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न कहाँ पे होगा, जब फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो उसे रिटर्न होगा -1, और रिटर्न होगा -1 तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी -1, और फिर ये चेकिंग होगी इफ -1 इज लेस देन 0 कंडीशन 2। कंडीशन 2 होते ही क्या कर देगा, वो इसे प्रिंट कर देगा 9 वॉज नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे, जैसे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखिए हमारे पास आउटपुट यही आया। तो इस तरीके से हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम हमारा लीनियर सर्च को डिफाइन कर रहा है, और लीनियर सर्च का मतलब होता है किसी भी लिस्ट में से कोई भी एक आइटम को फाइंड करना जिसका हम इंडेक्स निकाल लें, और उसी को हम सर्चिंग कहते हैं, और सर्चिंग भी सिक्वेंसली या 1x1 होती है, उसी को हम लीनियर सर्च कहते हैं। ओके, आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।